नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में लिखा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही 300 किलोमीटर जाती है अपने घर पर, और पार्सली बाई ट्रेन एंड बाई बस। ये इसका मतलब है, ट्रेन से भी जाती है और बस से भी जाती है। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, ठीक है। इस और रिमेनिंग द बस, इसका मतलब है कि वो 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करती है, उसमें से वो 60 किलोमीटर तो करती है ट्रेन से, बाकी रिमेनिंग करती है बस से, ठीक है। बस से करने के बाद और ट्रेन से करने के बाद उसे टोटल टाइम लगता है 4 आवर्स, ठीक है। आइए मैं इसकी इक्वेशन बना लेता हूँ। सबसे पहले ये देखिए सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए बच्चों। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये देखिए, इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में, द स्पीड ऑफ बस, द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। ये अच्छा, टोटल डिस्टेंस भी मैं लिख लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे, देखिए ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन बनानी है, तो मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस फॉर यहाँ पर ट्रेन, डिस्टेंस फॉर ट्रेन कितनी है, इक्वल टू 60 किलोमीटर है। क्वेश्चन में कहता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ये देखिए ट्रेन 60 किलोमीटर इफ शी ट्रेवल्स, ठीक है, इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन से कितनी है 60 किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस फॉर बस, डिस्टेंस फॉर बस कितनी है। अब टोटल डिस्टेंस में से जो ट्रेन से किया वो माइनस कर दो, बाकी जो बचती है ये बचती है 240 किलोमीटर, तो ये उसने बस से की, ठीक है बच्चों। और उसे टाइम कितना लगा, दोनों डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, सी टेक्स टाइम 4 आवर, ठीक है बच्चों। अब हमें टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये होता है, ठीक है। क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। आइए हम निकालते हैं टाइम कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पर टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। अब देखिए डिस्टेंस कितनी है जो ट्रेन से की, 60। अच्छा, उसकी स्पीड कितनी है, एक्स प्लस, और बस वाले की डिस्टेंस कितनी है, 240, और स्पीड कितनी है, वाई, ठीक है। इन दोनों को जब वो कवर करती है तो इन दोनों के लिए टाइम कितना लगता है, 4 आवर, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी इससे, समझ में आ गया ना। दोनों डिस्टेंस कवर की तो टाइम कितना लगा, 4 आवर। तो अब देखिए 4 से ऊपर वाला ये डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 4 से इसको डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा, 15 बाई एक्स प्लस, इसको करेंगे तो 4 6 जा या 60 आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आप इसको मान सकते हैं। आइए अब आगे हम देखते हैं इन यहाँ पर सेकंड केस, सेकंड केस में हम देखते हैं क्या होता है। देखिए सेकंड केस में क्या कहता है, यहाँ पर देखिए सेकंड केस में, सेकंड केस में कहता है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, अब डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर ट्रेन, डिस्टेंस फॉर ट्रेन कितनी है, 100 किलोमीटर है। डिस्टेंस फॉर बस, डिस्टेंस फॉर बस कितनी है, अब 300 में से 100 किलोमीटर माइनस कर दो तो 200 बचेगा, यानी 200 किलोमीटर उसने बस से की, ठीक है। अब इसमें टाइम क्या लगती है, सी टेक्स टाइम, अब उसमें का 10 मिनट्स लॉन्गर लेते हैं, 10 मिनट्स का मतलब यानी 4 आवर तो लेती लेती थी, अब उसमें से प्लस 10 मिनट्स और लेती है, तो ये 4 आवर एंड 10 मिनट्स इतना समय वो लेती है, ठीक है बच्चों, ये लेती है। आइए हम इसका टाइम निकाल लेते हैं। देखिए टाइम निकालने का फॉर्मूला वही होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 100,
और बाई स्पीड कितनी है एक्स प्लस इसमें कितनी है 200 और इसमें स्पीड कितनी है वाई और दोनों में टाइम कितना लगती है 4 आवर 10 मिनट के भी आवर बना देते 10 को 60 से डिवाइड करके ऐसे ठीक है। आप 4 सिक्जा ये 6 4 4 6 की बात है 6 4 24 और 1 25 25/6 इतना वो टाइम लेती है। अब ये 25 से डिवाइड हो सकते हैं, आइए मैं इसको कर देता हूँ छोटा कर देता हूँ 4/x 200 को 25 से करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/6 इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं देखिए 1 और सेकंड इक्वेशन आ गई ना हमारे पास। अब हम क्या करते हैं टेकिंग देखिए बिल्कुल इजी है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। टेकिंग 1/x आपको u के इक्वल लेना है एंड यहां पर मैं लिख देता हूं एंड 1/y इक्वल लेना है आपको v के ठीक है बच्चों। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं बनाना चाहूं ये वाली इक्वेशन से मैं बनाना चाहूं जो आपको देख रही है ये इससे बनाना चाहूं तो क्या आ जाएगा यहां पर 15 u + 60 v = 1 आ जाएगा ठीक है। और इसकी बनाना चाहूं तो इसकी में क्या आ जाएगा 4 u + 8 v = 1/6 आ जाएगा ठीक है। ये हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन और इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन ठीक है बच्चों। आइए मैं नेक्स्ट पेज पर इसको करके दिखाता हूं दोबारा फिर मैं लिख लेता हूं इसको 15 u ठीक है आपको दिखाई दे रहा है ना यहां पर हाँ 15 u + 60 v = 1 और यहां पर 4 u ठीक है प्लस 8 v = 1/6 ठीक है। इसको हम इंटरचेंज करके इसको मैं कर लेता हूं देखिए यहां पर बिल्कुल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हम u वाले को एक्सचेंज कर लेते हैं यानी 4 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को 15 से कर देते हैं यानी चेंज करके ऐसे ठीक है बच्चों इस प्रकार। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 4 जा कितना होता है 60 u + ठीक है 64 जा कितना होता है 240 v और 4 1 जा 4 होता है ठीक है। इसी प्रकार इसको करते हैं 60 u + 15 8 जा 120 v और 15 को हम इससे करते हैं देखिए मैं इधर करके दिखाता हूँ आप सिर्फ वो लिख सकते हैं 1/6 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 यानी 5/2 हम इसकी जगह लिख सकते हैं ऐसे ठीक है बच्चों इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे साइन चेंज करके इसको कर सकते हैं ये माइनस का हो जाएगा ये माइनस का ये माइनस का माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर आ गया 120 v और इसको देखिए माइनस करते हैं तो मैं इधर करके दिखाता हूँ 4 ठीक है ये प्लस का ये माइनस का हो गया तो -5/2 इसके नीचे 1 मान लिया और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा 2 को 1 से डिवाइड किया 2 2 4 8/5 ठीक है 2 को 2 से किया 1 1 5 5 ऐसे 8 में से 5 माइनस कर दिए 3/2 तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ ठीक है बच्चों। अब देखिए v की वैल्यू निकालनी है तो v की वैल्यू जब निकालते हैं तो 3/2 ये 120 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया ऐसे 3 से इसको कर सकते हैं ये देखिए तो 1/80 इसकी v की वैल्यू आ गई ठीक है। अब इस v की वैल्यू को इक्वेशन पुट में 1 में पुट कर देते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ v इन 1 इक्वेशन ठीक है 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अच्छा इक्वेशन 1 में जहां पे v लिखा ना वहां पे v की वैल्यू लिखनी है प्लस 60 v की जगह v की वैल्यू इस प्रकार और इक्वल 1 ठीक है बच्चों। अच्छा 0 से 0 कट जाता है काट सकते हैं ऐसे 2 से भी काटना चाहो तो काट सकते हैं 2 3 जा 6 2 4 जा 8 ऐसे कट सकता है 15 u + 3/4 = 1 ये आ गया ठीक है बच्चों 15 u + 1 ये 1 और इधर ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा ऐसे इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं 4 आ गया 4 को 1 से डिवाइड किया 4 पे जा 4 1 जा 4 माइनस 4 को 4 से करेंगे 1 1 को 3 से करेंगे ठीक है तो कितना आ गया 1/4 आ गया ठीक है समझो 1/4 आ गया। अब u की वैल्यू हमें निकालनी है तो 1/4 और इधर ये 50 मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर आकर डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा यानी 1/60 आ गया 15 4 जा 60 तो u की वैल्यू कितनी आ गई मैं दोबारा लिख देता हूँ 60 ठीक है। अब लेकिन हमने जो लिया था देखिए नाउ करके
ठीक है, हमने 1 बाई एक्स के किसके लिए लिया था, यू के इक्वल लिया था, और यू की वैल्यू क्या आ गई, 1/60 आ गई। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल 60 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 1/y मैंने लिया था किसके, v के इक्वल लिया था, और v की वैल्यू देखो क्या आती है, ये देखो v की वैल्यू आ गई 1/80, तो मैं इसकी जगह क्या लिखता था, 1/80। इसी प्रकार इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। अच्छा x क्या थी, ये थी, देखिए ये क्या थी, x क्या थी, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 60। मैं लिख देता हूं स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्पीड ऑफ बस कितनी आ गई, ये आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन आपको कैसे लगा मुझे जरूर लिखें। ठीक है, इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को सिखाएं। मैंने ऐसा कोई मेथड नहीं बताया है जिससे आपको लगे कि ये काफी डिफिकल्ट है। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं 2 पेज में आया है, तो इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को सिखाएं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।